ना तू लौंग ना मैं लाची, क्या तू बनेगी मेरी भतीजे की चाची? क्यों नहीं है तो हमें मार दो यार, मार दो, चढ़ा दो मेरे ऊपर, चढ़ा दो चढ़ा दो आप मेरे ऊपर। अरे क्या कर रहे हैं भैया आप? भैया सो गाइस वेट करते हैं, कोई लड़की आ जाए, एक बार फिर से प्रैंक करेंगे तगड़ा वाला यार रोड पे ही। तो वेट करते हैं यूं ही। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हां हेलो 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 एक्सक्यूज मी मैम। चन्ना ए हसीनो तो मैं आ गई। एक्चुअली एक बात बतानी थी आपसे। जी तो बता दूं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ जी बोलिए। हाँ एक्चुअली क्या है ना, एक बात बतानी थी कि मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, मुझे अपनी लाइफ आपके साथ बितानी है। मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? क्या समझूं मैं तुमको? क्या समझूं? कैसे रुक के? अरे यूं ही रोकने की बात नहीं है, देखो क्या है मैडम कि आप इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, यहाँ से आ रहे थे तो जस्ट हमारे दिल से ये आवाज़ आई, यूं ही हम यूं ही आके मरने के लिए तैयार हो गए थे आपके गाड़ी के नीचे, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप इतने अच्छे लग रहे थे। अच्छा एक और शायरी याद आ रही है आपको, बताऊँ? जी बोलिए। अच्छा ये बताओ आपके बॉयफ्रेंड है आपके पास? जी नहीं। नहीं एक्चुअली क्या आपके पास बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं है ना। एक्चुअली क्या है, देखो एक लाइन याद आ गई हमें, देखो बुक अच्छी नहीं लगती यदि उनका कवर ना हो, और लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती यदि उनका लवर ना हो। बुक अच्छी नहीं लगती यदि उनका कवर ना हो, लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती है यदि उनका लवर ना हो। हमें लवर नहीं। एक्चुअली मैडम ना देखो आप ऐसे करोगे तो हम मर जाएंगे यहीं पे गाड़ी के नीचे, आप हमें मार दो यार। बॉयफ्रेंड नहीं है तो हमें मार दो यार, मार दो, चढ़ा दो मेरे ऊपर, चढ़ा दो चढ़ा दो आप मेरे ऊपर। अरे क्या कह रहे हैं भैया आप? भैया मैडम जी, मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, ठीक है? आप ऐसे क्यों बोलिए, आप फ्रेंड हो या आप दोनों बहन हो? ठीक है बहन। अच्छा देखो क्या एक बात और याद आ रही है हमें, एक्चुअली एक सारी याद आ रही है, देखो क्या सुना दूँ फिर से? सुनाइए। सुनाए एक्चुअली क्या है, देखो ना तू लौंग ना मैं लाची, क्या तू बनेगी मेरी भतीजे की चाची? क्या हो गया आप ऐसे किसी को भी रोक के ऐसा कैसे बोल सकते हैं? जस्ट बिकॉज यार आई फॉल इन लव आपके साथ। रियली यार एक्चुअली आप वहाँ से आ रहे थे ना, हम वहाँ पे बैठे हुए थे सीट पे, ठीक है, जैसे ही देखे यार इतनी बोल्ड लड़की आ रही है ना तो हम देख के पागल हो गए, हम सोचे जाके इस गाड़ी के नीचे मर ही जाएं, यदि लड़की यदि आप बता रहे हैं आप हमसे दोस्ती नहीं कर रहे, यदि आप हमारी गर्लफ्रेंड नहीं बनोगे ना तो हम आपकी गाड़ी के नीचे मर जाएंगे। आपके क्या विचार हैं, आप हमें दोस्त बनाओगे या गर्लफ्रेंड बनोगे, क्या बनोगे आप? हम अनजान लोगों से बात नहीं करते। अनजान लोग उस बात नहीं करते हैं, तो आप एक काम कर दो आप हमें चढ़ा दो मेरे ऊपर, गाड़ी चढ़ा दो मेरे ऊपर चढ़ा दो, ठीक है हमें मरना है यार, एक हमें मरना है यार, चढ़ा दो मेरे ऊपर, ठीक है चढ़ा दो। फंस क्यों रहे हो ऐसे भैया, आप ऐसा मत करिए हम पर। देखो लड़की हंसी तो फंसी मैडम, हमने तो यही चीज सीखा है, लड़की हंसी तो फंसी। क्या विचार है आपके मैडम? आप भैया भैया क्यों बोल रहे, बोला आई हैव टू मेनी सिस्टर्स, हमें और बहन नहीं बनाना है, ठीक है? तो एक्चुअली आप हमें अच्छे लगे यार। आप हमें परेशान कर रहे हैं। परेशान नहीं कर रहे मैडम, कर रहे हैं ना, पर करेंगे इसलिए क्योंकि आप हमें अच्छे लग रहे हो। I fall in love, आप पहली नजर का प्यार है हमें आपसे। आप और बार-बार एक ही बात बोल रहे हैं। एक ही बात बोल रहे हैं क्योंकि हो गया ना हमें जस्ट अभी हुआ। कैसे किसी को भी देख कैसे? ये देखो ये पहली नजर का प्यार, ये पहली नजर में ही होता है, यूं ही देखते ही यार कत्ते ही जहर है आपकी स्माइल। देखो क्या है 36 के फूल 42 की माला, इस मासूम चेहरे ने कत्ल कर डाला। वाह वाह क्या बात है। हाँ ना यार देखो क्या है, अच्छे खासे हम तो शायरी सुनाते हैं, यदि आप हमारी गर्लफ्रेंड हो जाओगे ना तो आपको हम खुश कर देंगे यार, मतलब कभी आपको लाइफ में कभी टेंशन नहीं आएगा। क्या विचार है आपको? हमारे कुछ विचार नहीं है, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए थे। देखो क्या है, आपके शुभ विचार होने चाहिए यार, विचार अच्छे होने चाहिए हमारे बारे में सोचने। अनजान लड़की से इतनी सारी बातें कैसे कर सकते? देखो मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है? एक्चुअली क्या अभी बीता था रक्षाबंधन, आपको पता होगा, ये देखो राखी हमने बांधवाया है। एक्चुअली कॉलोनी में ना एक लड़की थी जिससे हम काफी बहुत ज्यादा प्यार करते थे, ठीक है, बट वन साइडेड लव था, बस हमारी तरफ से प्यार था, और लड़की को भी पता था कि ये बंदा प्यार करता है, बट वो क्या हुआ ना राखी के दिन आके ना हमें राखी बांध दी यार,
रक्षाबंधन के दिन हमें राखी बांध दी यार, वन साइडेड लव टूट गया। टूट गया यार, बताओ बहन बन गई यार, ऐसे ही लड़कियां सब बहन बन जाएंगी तो फिर अपना बहुत अच्छी लड़की बनेगी, उससे भी बहुत नहीं, तो हमें अच्छी नहीं चाहिए, हमें आप ही चाहिए ना, आपसे अच्छा कोई नहीं है यहाँ पे। यू आर टू ब्यूटीफुल, ऑसम, फैबुलस, थैंक यू यार। क्या विचार हैं आपके? हमारे विचार यार अच्छे नहीं लग रहे हैं, देखो हम लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप बता दो, अच्छे लग रहे हैं ना? इनके पास बॉयफ्रेंड है? नहीं है ना यार, तो फिर तो अपनी नसीब खुल गई, भगवान ने आया पता है, भगवान को सुबह सुबह मैंने पूजा करके आया था यूं ही जस्ट बिकॉज कि आज हमें गर्लफ्रेंड चाहिए, ठीक है, भगवान ने बोला था जाओ वत्स, सपना में उन्होंने आया था, सपने में आज आया था, उन्होंने बोला जाओ आज एक छोटी सी लड़की आएगी, यूं ही आएगी, वो पिंक कलर का वो ड्रेस में होगी, तो यूं ही हम देख के कूद गए, हम कहे इस गाड़ी के नीचे मर जाएंगे या दूसरा केस होगा कि आप हमारी गर्लफ्रेंड बन जाओगे। हाँ बड़े प्यारे हो आप, अब शर्मा क्यों रहे हैं मैडम, हम मुस्कुरा रहे, यदि हमारे लिए थोड़ा सा भी प्यार आ रहा है तो बता दो ना यार, आप ऐसे किसी से भी नहीं पूछ सकते कुछ भी। आप एक काम करो, नहीं ऐसे पूछ सकते तो हम यहीं पे लेट जा रहे हैं, आप हमारे ऊपर चढ़ा दो गाड़ी, ठीक है फिर भैया मैडम मर, अब हमें चढ़ा दो मेरे ऊपर, ठीक है, अपने भाई समझ के हमें मौत की सजा दे दो, ठीक है, बट हमें दे दो आप, हमें नहीं रहना है यार, भैया भैया बोल के यार कितनी बार समझाया कि यार आई हैव टू मेनी सिस्टर्स, हमें अब बहन नहीं बनाना, अब हमें गर्लफ्रेंड बनानी है, बहुत हो गया भैया, भैया बताओ आप गर्लफ्रेंड बनना है तो बता दो, नहीं तो हम यूँ गाड़ी के नीचे आप हमें चढ़ा के चले जाओ यार, हमें नहीं रहना है आप इस जीवन में। और कितनी देर ऐसा नाटक चलेगा? नाटक तब तक चलेगा जब तक आप हमारे गर्लफ्रेंड नहीं बनोगे, मतलब हमेशा चलेगा, हमेशा चलेगा, आपको बनना पड़ेगा, हम यहीं खड़े रहेंगे, ऐसे ही खड़े रहोगे, यानी आप भी प्यार के चक्कर में गिर रहे हो ना, यू फॉल इन लव ना, हम नहीं गिर रहे हैं मैडम, बट आपसे हमें प्यार हो गया जस्ट बिकॉज यार हमने सपने भी देखे थे यार, गुलाबी गुलाबी यार, अब क्या चाहते हो आप, मर जाए यहीं पे, मैडम आप एक काम करो हमें यहीं पे मौत की सजा दे दो ना यार, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अच्छा आप उठ जाओ, ऐसा नहीं है हर लड़की लव बनाए एक लड़के को, हम दोस्त भी बन सकते हैं। अच्छा दोस्त बन सकते हैं, ओह माय गॉड, बड़ा खुश हुआ है, आप हमारे दोस्त बन जाओगे ना तो गर्लफ्रेंड बनाने में हमें समय नहीं लगता, क्योंकि आपके पास बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर गर्लफ्रेंड बनाने में समय नहीं लगता, पता चला 2 घंटे में आप बन गए हमारे गर्लफ्रेंड, तो हाय विशाल। हेलो ईशा। क्या नाम है? ईशा। ईशा बड़ा प्यारा नाम है यार, बाय द वे आपका हाथ बड़ा सॉफ्ट है यार। अच्छा ये बताओ आप क्रीम खाते हो या लगाते हो या नहाते हो उससे? खाते हैं। खाते हो यार, कौन सी क्रीम खाते हो? बस ऐसे बताना नहीं चाहिए, नहीं तो सब सुंदर हो। अपने दोस्त के बारे में सोचो, हम दोस्त हो गए ना विशाल, तो आप तो बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हैं। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली यार, पहली बार किसी लड़की ने बोला आप अच्छे हो सुंदर हो यार, यार हमें पता नहीं था इस बात का, इसलिए हमने बता दिया। चलिए अच्छी बात है, यानी आपको भी हम अच्छे लग गए, अच्छे लगे, चलो ठीक है अच्छी बात है। बाय द वे आप हमें अपना क्या दे सकते हैं, कॉन्टेक्ट या इंस्टा या क्या दे सकते हो? इंस्टा। इंस्टा एक्चुअली क्या है मैडम, आप हमें फॉलो कर लो इंस्टा पे, मेरी इंस्टा आईडी है विशाल बनारसी, विशाल बनारसी, और मुझे फॉलो बैक दे देना। हाँ फॉलो बैक तो दे देंगे यार, इतनी सुंदर लड़की को फॉलो बैक ना देते तो वाजिब नहीं है ना हमारे लिए। वैसे एक बता दो, चलिए कॉफ़ी हो जाए जल्दी यार, जस्ट बिकॉज यार मैं अब आप छोड़ के चले जाओगे यहाँ से ना, अभी इंस्टा ले लिए, बट क्या है ना एक कॉपी हो जाएगा ना तो अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाएगी यार, एक प्यारा सा बस क्या हो ना, थोड़ा सा 2-4-10 मिनट का बस टाइम स्पेंड करेंगे यार, पास में ही है यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ठीक है okay. एक छोटी सी कॉफ़ी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली हम लोग दोस्त तो रहेंगे ना। हाँ, अच्छा कॉन्टैक्ट नंबर ले रहे तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम तो कॉन्टैक्ट नंबर अपना दीजिएगा। What's your number? 9 9 111। मैंने आपको कॉल कर दिया है, एक्चुअली दिस इज माई नंबर विशाल, ठीक है, तो यार हम लोग अच्छे दोस्त हैं, बाय द वे बहुत अच्छी लगी। अच्छा एक बात बताए, कॉफ़ी तो चले, कॉफ़ी पे चले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा सही बात, सही से बताया ना, आपके पास बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक्चुअली क्या है ना, एक बात बताऊँ आपको, एक्चुअली क्या है ना कि हम आपके साथ एक छोटा सा मजाक कर रहे थे यार, उधर देखो कैमरा लग रहा है, उधर दिख रहा है कैमरा, जी 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 जी, जो पेड़ के बगल में बंदा है, आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर दिया यार,
बाय द वे हम अच्छे बंदे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हम और क्या है, छोटी सी कॉफी हो जाए यार, अच्छे दोस्त रहेंगे अपन, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अच्छा, वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं है ना? नहीं। चलो ठीक है, तो आपकी गाड़ी चले या अपनी गाड़ी चले? अपनी गाड़ी। मेरी गाड़ी यार है नहीं ना यहाँ पे, मेरी गाड़ी उधर लगी हुई है। अच्छा, तो आप पैदल आइए। ये अपन यहाँ बैठ जाए, आप बीच में या लास्ट में? जैसे आपकी मर्जी। लास्ट में बैठते हैं यार। चलो ठीक है, सामने जो है ना वो जो शॉप दिख रही है ना वहाँ पे ही है रेस्टोरेंट, ठीक है? बाय बाय। एक रुक दीजिएगा, वो चाय तो अभी कॉफी बड़ी अच्छी थी ना? हाँ, बहुत अच्छी थी। हाँ। चलो ठीक है, सो गाइस यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल गाइस।